हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक आई स्टैम्प जो कि एक पोर्टल है इसके बारे में जानकारी दूंगा, जिसको मैं आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है। और इसके बारे में पता होना भी सबको बहुत ज़रूरी है। ये क्या स्कीम है, क्या गवर्नमेंट लेके आई है, क्या पोर्टल है, क्या काम करता है, आइए पहले थोड़ा इसका हम जो है इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आई स्टैम्प है क्या? आई स्टैम्प की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप। ये क्या है? एक डायनेमिक पोर्टल है जिस पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ स्टूडेंट रिसर्चर जो है आपस में कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि किया है 3 जनवरी 2020 में। और ये जो सपोर्टेड जिसने इनको सपोर्ट किया वो है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल सेंट्रल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये डेवलप जो कि आईसी बेंगलोर में हुआ है। तो मैं इसका थोड़ा सा, ये तो था आपका ब्रीफ, मैं आपको समझाता हूँ कि आई स्टैम्प का एक्चुअली काम क्या है। आई स्टैम्प जो है एक पोर्टल है। अभी तक क्या होता आ रहा था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबके पास इक्विपमेंट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स हो गए आपका या कोई एक्सपर्ट्स हो गए। तो अभी क्या था कि मैं आईआईटी के अंदर पढ़ता हूँ तो मैं सिर्फ आईआईटी का ही स्टूडेंट ही उसमें रिसर्च कर सकता है, बाहर का नहीं कर सकता, क्योंकि जो छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास इक्विपमेंट फ़ंड खरीदने की पैसा नहीं है इतना, तो वो बड़े इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो उन्हें अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द आईआईटी। सो आई स्टेम क्या है? आई स्टेम में क्या है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी आईआईटी, एनआईटी, कॉलेज का इक्विपमेंट आप बुक करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, भारत का कोई भी नागरिक जो अकेडमिक से रिलेटेड हो, जो पढ़ता हो, रिसर्च करना चाहता हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, किसी भी आईआईटी में जाके, किसी भी एनआईटी में जाके उसके इक्विपमेंट यूज़ कर सकता है जो आई स्टेम पोर्टल पे अवेलेबल है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि अब आप कोई भी किसी भी आईआईटी एनआईटी में जाके उसका इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से उसकी बुकिंग ले सकते हैं। जैसे ही आपको वहाँ की बुकिंग मिलती है तो आप जो मिनिमम चार्जेस होते हैं, जो इंस्टीट्यूट जो भी आपको पे करने के लिए बोलता है, वो मिनिमम चार्जेस पे आप जा किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेहतरीन जो कि कह सकते हैं कि आई स्टेम पोर्टल में फैसिलिटी अवेलेबल है। इस चीज़ के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है अभी तक। अभी तक क्या होता आ रहा था कि लोग जो भी आईआईटीज के हैं वो लोग उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि ये हमारा इक्विपमेंट है, हम इसको दूसरे, ये आने की दूसरे डिपार्टमेंट तक को यूज़ नहीं करने देते। तो इसमें अब क्या हो गया है कि अब गवर्नमेंट ने ये सबको मैंडेटरी कर दिया है। इवन आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारे आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे, एम एच आर डी से लेके आपको, आप डी एस टी से लेके, जितने भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आपकी फंडिंग प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ है। तो वहाँ से आपको बहुत सारे ऑर्डर्स भी आपको इसके अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसमें ये साफ साफ मेंशन है और मैंडेटरी है कि अब आपको जितने भी इंस्टीट्यूशन से सबको अपने इक्विपमेंट्स अपलोड करने आई स्टेम पोर्टल पर मैंडेटरी कर दिया है। अब कोई भी यूज़र, कोई भी रिसर्चर, कोई भी एक्सपर्ट वहाँ जाके उसको बुक कर सकता है, और आप अपनी जो भी आपको रिसर्च करनी है, आपको टेस्टिंग के लिए पर्पस से देना है, इवन आप ऑनलाइन भी आप भिजवा भी सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट्स की राय भी ले सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सपर्ट की राय चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, ओवरऑल मोटा मोटा बता देता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपको सब कुछ चीज़ जो मिलेगी वो पोर्टल पर ही मिलेगी। और पोर्टल पर आप जाके, ये तो कुछ नहीं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो उस पर अवेलेबल है जो आप उस पर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये है क्या, इसमें कौन इसमें ज़्यादातर आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं, अपना रजिस्टर कर सकते हैं। वो है इंस्टीट्यूशन जो कि अब तो मैंडेटरी है ही, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हो गए, रिसर्चर हो गए, इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय हो गए, टीचर्स, एक्सपर्ट्स हो गए, सप्लायर एंड सर्विस प्रोवाइडर हो गए, ये सब इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट है, इसमें जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया, वो सब इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और इस फैसिलिटी का फ़ायदा भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फंड जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको अपने सपोर्ट के लिए, उन्हें फंडिंग के लिए, अगर उन्हें फंडिंग चाहिए अपने रिसर्च के लिए, तो वो यहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा, अभी इन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है आई स्टेम ने, जो कि एक बहुत ही अच्छा, मैं मानता हूँ कि एक स्टार्टिंग है, जो कि बहुत से लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, तो मे बी आप इसमें इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तीसरा, इसमें आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सब जैसे कि आपके कॉमसोर्स सॉफ्टवेयर हो गया। कॉमसोर्स सॉफ्टवेयर क्या है कि जो रिसर्च पर्पज़ से यूज़ होते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि जैसे कि हमारे रिसर्च के लिए कॉमसोर्स सॉफ्टवेयर क्या करता है। पहले से ही आपको मतलब रिजल्ट आपको जनरेट करता है, मॉड्यूलेशन कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप, ये जो कि
बाहर की कंट्रीज़ के, लेकिन वो यहाँ पे हम उन्हें परचेज़ करते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन आइस्टेम हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जो कि उस पर नो कॉस्ट पे, एट नो कॉस्ट वो हमें अवेलेबल करा रहा है, और वो भी लेटेस्ट वर्जन। इवन सिर्फ ये कॉम्सोल ही नहीं, उस पर और भी अदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो आप एक बार जाएंगे तो वहाँ पर वो देख सकते हैं। और फोर्थ है आपका कि आप जो भी आप टेक्नोलॉजी रजिस्टर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को और इवेंट्स को। मान लीजिए आपने कोई टेक्नोलॉजी आप पे काम कर रहे हैं, तो आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं, पेटेंट आपके पब्लिक, तो सब आप जो भी है आप आपके आईस्टेम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, आप अपनी टेक्नोलॉजी को रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, आप कोई इवेंट्स कर रहे हैं, आपके में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आप उसको चाहते हो कि इस पर लिस्टेड हो, तो वो भी आप इस पर कर सकते हो आईस्टेम पे। पाँचवा है आपको सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म। ऑल इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन मीटिंग्स, वेबिनार्स, जो कि हमारे जो गवर्नमेंट है और जो आइस्टेम के थ्रू जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बहुत सारी मीटिंग्स, वेबिनार्स एक साथ कर सकते हैं। आई थिंक ये सिक्योर भी है, और जो हम ये अदर्स कंट्रीज़ का जो हम यूज़ करते हैं, अगर हम उसको छोड़ के इसको यूज़ करें तो आई थिंक ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, और ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो हमें दिया हुआ है। शायद लोगों को नहीं पता इसके बारे में भी, जिसे अभी कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें सिर्फ आपको रजिस्टर करना होगा एज अ यूज़र, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, सिक्स है आपका टॉक टू एक्सपर्ट। इसमें जो भी आपके एक्सपर्ट लिस्टेड हैं, मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, रिसर्च के बारे में किसी एक्सपर्ट से बात करनी है, तो वो सब यहाँ अवेलेबल है। अभी तक क्या था कि गैप था। आइस्टेम क्या है, आइस्टेम को अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका, जो भी आपको लिंक करता है, मीन्स आपको रिसर्च एंड रिसोर्सेज, इस सबको क्या करता है, वो लिंक करता है। क्या आपके पास पहले क्या था कि रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे देश में, इतना भंडार है हमारे देश में कि आप अगर अगर उनको हम एक साथ इकट्ठा कर देना तो शायद हम बाहरी कंट्री से बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या रहा है, गैप एरियाज, हमें पता नहीं कि कहाँ अवेलेबल है। इवन हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, एनआईटी में काम करते हैं, कॉलेज में काम करते हैं, हमें ये नहीं पता कि दूसरे डिपार्टमेंट के पास कितने इक्विपमेंट हैं। तो ये जो आईस्टेम है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जिसमें आपको अपने नियर बाई लोकेशन के बारे में पता होगा, जो कि एक मैप प्रोवाइड कराता है जिसमें आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपके नियर बाई लोकेशन में कितने इक्विपमेंट अवेलेबल है, किस कॉलेज में अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है, टोटल कितने इक्विपमेंट्स है, और किस किस चीज़ पर आप रिसर्च चल रही है, क्या आपके टेक्नोलॉजीज रजिस्टर्ड है। तो ये सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी और आप अच्छा कर पाएंगे। आपको ये पहले से पता रहेगा कि ये ऑलरेडी इस चीज़ में रिसर्च हो चुकी है, मुझे इसके आगे से करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसको आपको भी यूज़ करना चाहिए, और आपके कलीग, यार, दोस्त जिनके पास ये चीज़ अभी तक नहीं पहुँची है, जिसको नहीं पता है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको लास्ट बता रहा था, टॉक आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, एसएनटी चैट रूम्स इसमें अवेलेबल है, कभी भी आप 24 आवर्स इसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इवन इनके आपका यहाँ पे इन्होंने अपने टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप इस चीज़ पर अगर एक बार आप जाएंगे, फोकस करेंगे, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं थोड़ा सा ओवरऑल इसके अब पोर्टल पर भी चलता हूँ, क्योंकि ये तो थोड़ा सा आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये सिर्फ मैंने अपनी तरफ से आपको ओवरव्यू दिया है, बाकी आपको जो भी चीज़ जाननी है इसके बारे में, वो सब सिर्फ आपको पोर्टल पे ही मिलेगा। तो आइए थोड़ा पोर्टल को मैं वो कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आइस्टेम का पोर्टल। जैसे कि आइस्टेम की जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ, www.istem.gov.in, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आप जाके इसमें आपको ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। आइस्टेम की फुल फॉर्म जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप। हम जल्दी से इसके गो थ्रू कर लेते हैं, बाकी तो आप जब आप जाएंगे तब आप देख सकते हैं। आपको अगर रजिस्टर करना है तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे आपके राइट साइड में रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए होगा, रिसर्चर्स के लिए, यूज़र के लिए यहाँ से कर सकते हैं, और सप्लाई सर्विस प्रोवाइडर अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप ऑलरेडी है तो आप साइन इन कर सकते हैं। बाकी इसमें हम देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, थोड़ा सा अबाउट हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर हम इसके बारे में जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट अस, ये आपका जो भी है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि अभी तक इसमें साइंटिफिक जो रिसर्च इक्विपमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में जो अभी तक इसका स्टैटिक्स जो बना हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। अभी तक आप देख पा रहे होंगे इसमें 24,000 से ऊपर इक्विपमेंट जो लिस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, और 1618 मीन्स आप एक मान से अंदाज़ा लेके चले तो 1500 से ऊपर इसमें इंस्टीट्यूट लिस्टेड है। एक्सपर्ट इसमें 293 से अबाव है। आइस्टेम यूज़र की बात करें तो अप्रोक्स 5,000 होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी 911 टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी है। तो इतनी कुछ चीज़ें जो है, FBR क्या होता है, जिसमें कि आप अपनी किसी आप कोई बुकिंग करते हैं तो उसमें एक FBR जैसे कहते हैं ना आपका यूनिक आइडेंटिटी कोड जो जनरेट होता है, वो एक FBR कोड जनरेट करते हैं जब भी आप कोई बुकिंग करते हैं।
इसमें बहुत ही इजी है किसी भी चीज़ इक्विपमेंट को। मान लीजिए आप कोई भी इक्विपमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे कुछ भी देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे आपका इक्विपमेंट आ जाएगा। कोई भी इक्विपमेंट आपको सेलेक्ट करना है, और इवन यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि ये इस लोकेशन में कहाँ किस किस लोकेशन में अवेलेबल है। तो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बुकिंग करने के लिए इतना ईजी माध्यम है कि आप सीधा इस पर क्लिक करें, जिसको आपको बुकिंग करनी है आप उसको जाके सीधा बुक कर सकते हैं। इसकी जो मेन वीडियोस आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं आइस्टम पोर्टल में, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरह आप रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह आपको इसमें लॉगिन करना है। इवन वो आपको ट्रेनिंग तक प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जल्दी से, ताकि आप इस चीज़ को जाने, और जिनको नहीं पता है उसके उनको इनकी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, जिनके भी ऑर्डर्स आपको देखने हैं वो सब आपको मिलेगी इसमें। आपको फैसिलिटी देख ले कि हाईलाइट्स क्या क्या है, टॉक टू एक्सपर्ट, लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड्स, बिकम ए कंसल्टेंट फॉर लैब, स्पेसिफिक आउटकम्स, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, इंस्टेंट एक्टिवेशन, सॉफ्टवेयर सर्विसेज थ्रू आइस्टेम, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू आइस्टेम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकम एन एम्बेसडर। तो ये सब जो है, आप शेयर योर फैसिलिटीज एंड प्रोडक्ट, रजिस्टर योर इवेंट्स, कॉल फॉर एक्शन आइस्टेम सपोर्ट। और यही आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू जरूर करें कि ये क्या है, सप्लायर मैप, डिजिटल R&D मैप। अगर हम इसके अबाउट अस में जाए थोड़ा सा, मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो इंटरेस्टेड है वो आइस्टम वेबसाइट पर जाके सब कुछ अवेलेबल है। आपकी गाइडलाइन से लेके हर चीज़ इस वेबसाइट पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें लॉन्च किया था, ये जो कि 3 जनवरी 2020 में लॉन्च हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें जैसे कि बेसिक चीज़ें आपको दिया हुआ है कि दिस विल स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑप्टिमल यूजेस ऑफ R&D रिसोर्सेज, लिंकिंग रिसर्च एंड रिसोर्सेज, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। जैसे कि आप इसमें देख ही रहे कि ऑप्टिमल यूजेज ऑफ R&D रिसोर्सेज। अभी तक क्या होता था कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत से इक्विपमेंट्स तो अभी भी ऐसे क्या है कि ऐसे ही पड़े, उनका कोई यूज़ नहीं है। इससे हमारे को फ़ायदा क्या होगा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इससे फ़ायदा क्या है। इससे फ़ायदा ये है कि कोई इक्विपमेंट जो यूज़ में नहीं है उसका यूज़ हो जाएगा। आप उसके लिए कोई कोई ऑपरेटर को रखेंगे तो एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया, और जिस इक्विपमेंट से आप जो कि आपके काम का नहीं था उससे आपकी अर्निंग भी शुरू हो गई, इंस्टीट्यूट को उससे अर्निंग भी मिल रही है। जो पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो भी आपका बाईबैक हो गया, और दूसरा जो भी इक्विपमेंट है उसके साथ बाई साथ आप कह सकते हैं कि सर्विस भी हो गई। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही नहीं, उसे सिर्फ आपको, हमारे देश को और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन, सबको ही बेनिफिट होगा, जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च आएंगी निकल के और देश शायद और अच्छा कर पाए। या आप ये देख सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी इन्होंने चलाए हुए हैं, एंड लोकल टू वोकल। सो ये आप एक बार इस पे गो थ्रू जरूर करें, और आई थिंक इसे एक बार आप देखेंगे तो शायद ज़्यादा जान पाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं लेके आपको बताना शुरू करूँगा तो शायद टाइम बहुत हो जाएगा, तो मैं इसे मिनिमम टाइम में ख़त्म करता हूँ। बाकी मैं इसके ऊपर और वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए। तो इन इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू ऑल।